pizza, sushi, for you vegetarian. Amit ji, sushi for you vegetarian, sir. ये तो बहुत यूनिक स्टाइल है. फर्स्ट टाइम द डेमो इज गिवन बिफोर इंट्रोडक्शन. यस मैम. मैं 3 साल से कह रहा हूँ रिश्वत हमेशा पहले दी जाती है. पहले आदमी हो जो तुम सीख गए हो ये बात. वेल डन. एब्सोल्युटली सर. थैंक यू. सो शख्स आज जो आपके बाजू में रखी है वो है जापान की सबसे फेमस डिश सुशी. ये बनाना लगता तो बड़ा सिंपल है शख्स, बट इसे बनाने के लिए ऐसे कई सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है जो हमारे आम बाजार में इतनी आसानी से नहीं मिलते. सुशी बनाने के लिए सुशी राइस, विनेगर, जिंजर, सोय और ऐसे सर कई सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है. बट आप क्या सुशी या कोई और इंटरनेशनल रेसिपी रोज रोज बनाओगे? एक या दो बार बनाओगे और ये सब पड़ा रह जाएगा और एक्सपायर हो जाएगा. शख्स मैंने भी कुछ ऐसा ही फेस किया और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने शुरुआत करी शेफलिंग की. नमस्ते शख्स, मेरा नाम रौनित गंभीर है और मैं मुंबई से आया हूँ. शेफलिंग में हम कस्टमर्स को देते हैं यूनिक DIY यानी डू इट योरसेल्फ किट. इन किट में वो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कस्टमर्स को ये यमी ग्लोबल रेसिपी बनाने के लिए चाहिए. शेफलिंग में हम करते हैं DIY किट फॉर सुशी एंड मोची जो एक जापानीज डिश है, एंचिलाडा एंड टाको जो एक मेक्सिकन डिश है, लजानिया जो एक इटालियन डिश है और ऐसे कई तरह के इंटरेस्टिंग DIY किट्स. शख्स शेफलिंग की शुरुआत हमने अगस्त 2020 में की थी और आज तक हमने 5000 से भी ज़्यादा किट्स पैन इंडिया सेल किए हैं. आप हमारे किट्स हमारी वेबसाइट shefling.in से खरीद सकते हैं. शख्स 2025 तक DIY मील किट इंडस्ट्री इंडिया में 8000 करोड़ की हो जाएगी और हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड के सारे क्यूजींस इंडिया के हर घर तक पहुँचाएं और इंडिया के सारे क्यूजींस पूरे वर्ल्ड तक पहुँचाएं ताकि उनका एक्सपीरियंस इजी हो, इकोनॉमिकल हो और सस्टेनेबल हो. सो शख्स माई आस्क इज 40 lakhs फॉर 10% ऑफ माई कंपनी. सो शख्स लेट्स डू इट ourselves विद शेफलिंग. सुशी इज गुड. Thank you, sir. Thank you, yaar, for feeding us. Badi bhook lagi. Sir, always. Maza aa gaya. Maza aa gaya. That's my mission. Yeah, good sushi. Good Thank sushi. Thank you. Thank you, ma'am. Fresh. तो रौनक, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 3. आप बताइए जरा, ये विदेशी खाना हम देसियों को खिलाने का आइडिया कहाँ से आया? मेरे जो डैड थे उनकी एक टेक्सटाइल्स की कंपनी थी मैन्युफैक्चरिंग. 2019 में वो कंपनी हो गई बैंकरप्ट एंड दिस इज वेयर माई यू नो हमेशा से मेरे को तो कुछ करना था लाइक समथिंग अपना खुद का लाइक समथिंग बिग. तो 2020 में मेरे को ये आइडिया आया. आई वॉज रीडिंग अबाउट DIY मील किट्स कंपनी और वो क्यों फेल हुई इंडिया में बाकी वर्ल्ड में, बिकॉज दे वर टू अर्ली एंड वो लोग काफ़ी मीडियोकर चीज़ करते थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात कर ले तो अगर इंडिया में कोई पाव भाजी किट निकाले सो देर वोंट बी अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड बाय इट बिकॉज सबकी मम्मियों को पाव भाजी बनानी आती है. इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. पर एक चीज़ तो इसमें कहना पड़ेगा ना कि ये एक सक्सेसफुल कंपनी कॉल्ड प्लेटेड और वो शार्क टैंक में आई थी. Right. US Shark Tank में और अब वो कंपनी फिर बहुत बड़ी बन गई. राइट. तो आपने अभी कहा कि ग्लोबली कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो ट्रू नहीं है. और ये बिल्कुल आपका पैकेजिंग वगैरह सब देख के इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ कॉपी ऑफ प्लेटेड. इनफैक्ट नॉट जस्ट प्लेटेड, US में बहुत सारी ऐसे DIY कंपनीज. यस मैम, बट इंडिया में फिलहाल इट्स एन इमर्जिंग मार्केट. And there are companies who are doing it. In India also. In India also. But there is one more company called Cook by Pluck. But वो लोग DIY kits बेचते हैं in a model of cloud kitchen system. उसमें raw material जो है वो fresh है. Fresh है, exactly. और आपके में fresh नहीं है. मेरे इसमें sir there is no perishable item. There are only non-perishable ingredients. अच्छा. जिसके वजह से हम pan India deliver कर पाते हैं. Very interesting. थोड़ा product दिखाओ एक बार, क्या है इस डब्बे में? जापानीज स्टिकी राइस.
यू नो बहुत बार ये चीजें ना पढ़ के समझ में नहीं आती, तो QR कोड नहीं डाल सकते दैट डायरेक्ट्स यू टू अ वीडियो? एग्जैक्टली, सो वी आर वर्किंग ऑन अ QR कोड सिस्टम. यू आर वर्किंग ऑन, यस. सारे रॉ मटेरियल इसमें देती है, रेसिपी इधर देती है. एग्जैक्टली, और अब बनाओ. सर, आपको सिर्फ आपका वेजिटेबल या मीट प्रोक्योर करना है, बाकी ये सारे इंग्रेडिएंट्स बाजार में इतनी आसानी से मिलते ही नहीं. पर ये उसी के लिए जिसको थोड़ा बहुत कुकिंग आता हो. यस सर, बट इट इज वेरी सिंपल. इसमें हीरो प्रोडक्ट कौन सा है? हीरो प्रोडक्ट सुशी है सर. ये फ्रेश है? यस सर. ये ले जाऊं मैं? यस प्लीज, व्हाई नॉट. ये ब्रांडिंग किसने करी? इतनी सुंदर करी है, मतलब. सर, दिस इज ऑल माय टीम्स वर्क. मतलब मैंने आउटसोर्स किया हुआ है. कितने का आता है ये किट सुशी वाला? हमारे पास तीन वेरिएंट्स है. देयर इज अ किट फॉर टू, जिससे आप आराम से 35 सुशी बना सकते हैं, 35 पीसेस. देयर इज अ किट फॉर फोर, जिससे आराम से आप 45 टू 50 पीसेस बना सकते हैं. देयर इज अ किट फॉर सिक्स, जिससे आप 60 टू 75 पीसेस ऑफ सुशी बना सकते हैं. किट फॉर टू इज फॉर 1299. इतने में तो बाहर से मंगा लूंगा भाई, इतना महंगा. अगर आप बाहर से मंगाते हो 6 पीस सुशी, तो आपको 400, 500, 600 रुपए से कम नहीं मिलेगी सर. तो मार्केट का जो रेट लेंगे 30 पीसेस का, तो 3000 हो जाएगा. जी सर. तो सर उस हिसाब से तो सस्ता हो गया काफी. बट द प्राइस डज नॉट इंक्लूड वेजिटेबल्स एंड मीट दैट हैज बी पुट बाय यू. मेहनत बहुत करना है ना, पहले चावल बनाओ, फिर काटो सब्जियां. तो देयर इज एन ऑडियंस, मैं नहीं कह रहा नहीं ऑडियंस, पर एक ऑडियंस है जो इतना मेहनत करेगी, और एक ऑडियंस है जो सीधा स्विगी या जोमेटो से मंगा लेगी. मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है अबाउट हिज बैकग्राउंड. कोई स्टोरी आप बता रहे थे कि कोई फैमिली में ऐसी सिचुएशन आ गई. जी सर. क्या हुआ और उससे कैसे निकले आप? 2011 दिसंबर 16 मेरे डैड की एक टेक्सटाइल कंपनी थी, जैसे मैंने आपको बताई, वो अपने आप गिर गई. आउच. द फैक्ट्री जस्ट कोलैप्स्ड. आदमी लोग थे उसमें? नहीं सर. थैंक गॉड. फिर वहां से चालू हुआ था सर एक डेट का सर्कल. अराउंड 6.5 करोड़ की वापस फैक्ट्री खड़ी करने में लगी थी, और वहां से ये क्रंच बड़ा होते गया. अंटिल 2018 में हमें किसी ने सर बोला कि आप IPO कर लो. अमे, वाओ. 8 करोड़ का IPO था, और सर वो जो बीच में मार्केट मेकर था वो सारे पैसे लेके गायब हो गया. कितने पैसे? सर पूरे 8 करोड़ का IPO था, फुली सब्सक्राइब. तो वो एक बहुत बड़ा झटका लगा, और उसके वजह से अगस्त 2020 तक द कंपनी वॉज अंडर NCLT. अरे वाह. पर्सनली डैड और तुम्हारे ऊपर कर्जा नहीं है अभी कोई? बिल कलेक्टर वगैरह, मतलब ये सब डेट वाले आते नहीं हैं? नहीं, आई वाजंट अ पार्ट ऑफ द कंपनी, बट पापा वाज, मतलब मेरे डैड और मेरी मॉम प्रमोटर थी. लेकिन उनको परेशान कर रहे हैं डेटर्स अभी भी? अभी नहीं कर रहे, बट पहले करते थे. मैंने उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान कभी नहीं देखा है. उन्होंने हर चीज इतना कामली, आराम से, वन स्टेप एट अ टाइम. उसका रिजल्ट हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं, इसलिए आप में इतनी पॉजिटिविटी. जी मैम, थैंक यू. और आपकी मॉम? मेरी मॉम इज अ हाउसवाइफ. मैंने ये पूरा काम स्टार्ट किया मम्मी से 50,000 रुपीज लेकर, और उसके बाद मैंने 1 लाख रुपीज लिया था. तभी तक टोटली मैंने 1.5 लाख रुपए ही डाले हैं. वाओ. पर अभी तक हम लोग ने टोटल 3 साल में 60 लाख से भी ज्यादा सेल किया. तो, वापस कर दिए 1.5 लाख? जी सर. वेल डन. एकदम, मतलब 60 लाख में प्रॉफिट कमाया है? सर काफी प्रॉफिट कमाया है. कितना? अभी तक हम लोग सिर्फ सुशी किट बेचते थे, और 1st of October हम लोग ने न्यू किट्स लॉन्च किया. मेरा जो इसमें ग्रॉस मार्जिन है फॉर द सुशी किट इज 70%, और मेरा जो नेट है सर 45-50%. तो लास्ट एक साल में कितना सेल किया? 19,78,000 एग्जैक्टली. आपने 10 लाख रुपए पिछले साल कमाए? जी सर. एक किट बेचने का कॉस्ट कितना लगता है? मैंने लगभग 400 रुपए पकड़े हुए. कस्टमर एक्विजिशन का 400 रुपए? और एवरेज ऑर्डर साइज? 1400 रुपीज है सर. लास्ट मंथ की सेल कितनी थी अपनी? 1,59,000. इस साल कितने का करने का एस्टिमेट है? सर 40 लाख का. आप कैसे करोगे 40 लाख? आप तो वही पिछले साल की रन रेट पे चल रहे हो. 20 लाख पे हो? क्योंकि हम लोग की जो ये न्यू किट्स है, जैसे कि बारबेक्यू, जैसे मैंने 1 तारीख को लॉन्च किया सर, अभी तक हम लोग ने 1,20,000 की सेल ऑलरेडी कर दी है विद न्यू किट्स. और इसमें सुशी किट की सेल्स तो अलग है ही, तो हम लोग यहाँ से आराम से 40 लाख क्लॉक कर सकते हैं. और टीम में कौन है? ये पूरा रेसिपी वगैरह कौन बनाता है? टीम में कोई और है? वो भी आउटसोर्स्ड है. उनका नाम है फूड रिसर्च लैब. तो हम उनसे हमारे सारे न्यू किट्स के सॉसेस डेवलप कराए. नहीं तो आपकी टीम में कोई और है आपके अलावा? नहीं सर, हम दो. अभी आप सिंगल मैन आर्मी है? यस सर. और ये सब आप आउटसोर्स करके काम करा लेते हैं? जी सर. और अकेले ही चलाओगे इसको आगे भी, या किसी को? नहीं सर, टीम का प्लान है. आई एम लुकिंग फॉर अ को-फाउंडर. सेल्स एंड मार्केटिंग थोड़ा मेरा वीक लगता है. स्ट्रॉन्ग क्या लगता है आपको अपना? सर इनोवेशन एंड पूरा मैनेजमेंट सर. प्रोडक्ट?
प्रोडक्ट इज रेजिस्टेंट एग्जैक्टली अभी आप 100% इक्विटी ओनर हैं जी सर रौनित मैं और अजहर आपको एक ऑफर देना चाहेंगे अभी आप एक समझिए फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव आपका सेल्स है अबाउट 20 लाख जी आपको अगर हमने 10 टाइम्स मल्टीपल भी दिया आपका वैल्यूएशन बनता है 2 करोड़ जी मैम राइट सो द ऑफर वी'd लाइक टू गिव यू इज 40 लाख और 20% जिससे आपका 2 करोड़ वैल्यूएशन होगा अगर आप देखेंगे अपने अपनी फैमिली का हिस्ट्री बताया तो ट्रेजिडीज दो बार हिट किए 2011 में 2018 में उसके बाद भी आप यहाँ स्माइलिंग फेस लेके खड़े हैं फिर से बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं Fantastic. ये बहुत स्ट्रांग मतलब विल टू डू समथिंग बता रहा है और उस जर्नी का कहीं ना कहीं पार्ट बनना चाहेंगे जी सर थैंक यू मेरे को जो चीज समझ नहीं आ रही ना वो समझाओ एक बार जी. सुशी खाने वाले कितने लोग होंगे इंडिया में आपके व्यू में सर मेरे हिसाब से 30-30% लोग नो यानी 3% भी नहीं होंगे यार जो टैक्स भरने वाले लोग हैं वो 3.5 करोड़ हैं जी अल्लाह से अज्यूम की 2-3% भी एक बार तो 2-3 करोड़ लोग खाते होंगे और अपने पास हंड्रेड्स में नंबर है पर मंथ का तो जी फ्रिक्शन क्या है मतलब क्योंकि सुशी में इतना बड़ा टाइम दिख रहा है मेरे को तो क्योंकि अभी तक हम लोग 1200 वाले सेगमेंट से नीचे नहीं गए इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स ये सारे किट्स के एक चीप वर्जन आ रहा है जिसमें क्वांटिटीज इतनी रहेगी बट इनका प्राइस हाफ हो जाएगा उसमें मार्जिन कितना आएगा आपका 54% फॉर सुशी तो विल इट बी फेयर टू से कि 1299 पे मार्केट नहीं मिल रहा है और इंडिया में आपके अलावा और कौन है एक अर्बन प्लैटर करके एक कंपनी है उनका कितना बड़ा बिजनेस है सर हमसे तो काफी छोटा है सर कितना बड़ा होगा आपका बिजनेस 3 साल वी आर आराम से लुकिंग एट 10 करोड़ रुपी इन अ ईयर आप बोल रहे हो 3 साल में 8000 करोड़ का धंधा होगा DIY इन इंडिया जी सर मतलब आज की तारीख में कितना होगा आपके हिसाब से 1000-1200 करोड़ होगा रफली अराउंड 2500 करोड़ होगा 2500 करोड़ कौन ये मार्केट आप कह रहे हो आप अर्बन प्लैटर से भी बड़े हो यू आर वन ऑफ द लार्जर प्लेयर्स आपका बिजनेस है सिर्फ 40 लाख सो हूज सर बेसिकली DIY को आप बाइफरकेट करो तो उसमें रेडी टू कुक और रेडी टू ईट भी आ जाता है सर पैक्ड पनीर बना हुआ आप इसमें इंक्लूड कर एग्जैक्टली पैक्ड कड़े हल्दीराम के पैक जी सर बट दैट इज नॉट द सेम DIY आपका रेडी टू ईट थोड़ी ना है रेडी टू ईट नहीं है सर रेडी टू कुक है पर एक बात बताओ यार अगर बाय चांस आपको ऐसा लगा एक दो साल में कि यार अभी ये सैचुरेट हो रहा है इससे ज्यादा ये DIY इंडिया में तो नहीं चल रहा है तो क्या करूं और आपका तो एम्बिशन बड़ा है कितना एम्बिशन जैसे मैंने अभी आपको तो अभी तक बेवरेज रेंज का बताया नहीं अच्छा तो वो जो बताओ जी हम डेवलप कर रहे हैं सर एक DIY बियर किट कि आपके घर पे 10 लीटर बियर बन सकती है पर कल को अगर आपको डिस्कवर हुआ कि DIY नहीं चल रहा है तो क्या करोगे आप इसको बंद करके कुछ और एक्सप्लोर करोगे कुछ बना लूंगा सर जज्बा है सर मतलब कि काफी मेरे को क्लियर एक रास्ता दिख रहा है सर जो मेरे को सिर्फ हिम्मत तो है तुम्हारे में लेकिन बहुत शौकिया काम में घुस गए इसमें बिजनेस कैसे बनेगा थोड़ा समझ में नहीं आता टफ है Hats off to you, पहली बात तो आई थिंक आप सिंगल हैंडेडली 10-20 लाख का बिजनेस बना लिया आपने थैंक यू प्रॉफिट भी कमा रहे हो पता नहीं आगे जाके क्या करोगे बट आपके साथ काम करने में मजा आएगा थैंक यू सर देन आई वुड लाइक टू जॉइन नमिता एंड अजहर इन देयर ऑफर तो वही 40 लाख फॉर कितना 20% डॉलर जी सर जो आपका प्रोडक्ट कमाल का लगा थैंक यू सर इसका मार्केट कितना बड़ा है उसका डाउट है बट जितना मुझे समझ में आता है अगर आप ये कर सकते हो तो इस कैटेगरी में और भी चीज़ें करते हैं जी सर तो मैं भी आपको ऑफर देता हूँ हम मुझसे जुड़ने जुड़ के के जुड़ जाए यार हमारे साथ जुड़ जाए यार He needs a lot of help. चलो ठीक साथ में चलो I combine the offer. Four sharks. So now we'll put 10 lakhs each and we'll take 20%, 5% each. Got it, sir. मुझे क्या लगता है ना ये बिजनेस पे पैसा लगाना मुश्किल है जो करंट स्टेट में है लेकिन तुम्हारी क्रिएटिविटी और जो तुमने लेसन सीखे हैं उससे तुम कुछ बना जाओगे जी बट आई थिंक यू नीड अ कमिटेड गाइडेंस राइट जो आप में फुल्ली वेस्टेड हो तुम इंस्टाग्राम यूज करते हो जी सर हमको फॉलो करते हो जी सर मैं कैसे अपने ब्रांड्स के साथ लग के काम करता हूँ yes. जानते हो जी उनके साथ जो भी करना होता है आई ड्रेस फॉर देम आई वेयर देयर ग्लासेस देयर ज्वेलरी जो करना होता है मैं राइट अभी क्विक कॉमर्स में हाल ही में हमने शर्मा जी का आटा है जी. दो तीन ऐसी कंपनी जो हमने एक महीने में सारे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डाल दिए बिजनेस इज 4x सो हियर इज माय ऑफर टू यू 40 लाख फॉर 15% मैं ज्यादा ग्रीडी नहीं हूँ आई वॉन्ट टू सी यू सक्सीड जी सो आई वांट यू टू सक्सीड आई वांट टू बी फेयर लेकिन मुझे भी पैसे मिले सो लेट्स फाइंड अ विन-विन लेट्स चाहिए आपके पास दो ऑफर है आपको डिसाइड करना है अब डिसीजन लीजिए कैन आई जस्ट यस प्लीज यस थैंक यू जल्दी भाग के जाइए दौड़ के
नाम अतिन, दो डील मिली है। I hope he chooses us because we can really help. Ronit. Yes, sir. Welcome back. Sir, my counter offer to you for guys. क्या हम 40 लाख at 15%? चलो तेरे को 12% किया हम। 40 लाख से। चलो we'll do 40 लाख 15%. 40 लाख 15%. 16, 16, so then we get 4%. She has a request 40 lakh, 16%, so we get 4%. Okay? Division easy. Deal packed. Congrats. Thank you. You made the right choice, bro. Thank you. We shall do it. Thank you, sir. We shall do it. Look, what has come, Namita? Chashme aaye hain. Oh my God. Aa jao bhai, chashme aaye hain, Piyush. Look at it, boss. Arre pa! Dhakad ho gaya idhar. Ye dhakad hi ho gaya hai. हेलो शार्क्स, आज हम बात करने वाले एक ऐसी इंडस्ट्री की जिसका मार्केट साइज 30,000 करोड़ से लगभग है और इस मार्केट के प्रोडक्ट जो है उसका ग्रॉस मार्जिन 70-75% का है लगभग। और मजे की बात यह है, ये मार्केट अभी भी 80% अनऑर्गेनाइज्ड है। क्या बात है। वेलकम टू द आईवेयर इंडस्ट्री। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम मनीष है और मैं हूं co-founder and CEO of Intense Focus. Intense Focus में हम बनाते हैं डिजाइन फोकस आईवेयर बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए और यूथ के लिए। डिजाइन के साथ साथ हम लोग प्रोडक्ट के अंदर मटेरियलिस्टिक प्ले करते हैं, कलर विजुअल्स और यहां तक कि छोटे से छोटे स्क्रूज की असेंबली को भी हम खुद ही करते हैं, जो कि इंडिया में कोई ब्रांड नहीं कर पा रहा है इतना प्रिसाइज। शार्क्स, इंटेंस फोकस एक ऐसा रेयर ब्रांड है जिसमें फाउंडर खुद प्रोडक्ट को डिजाइन करता है और डिजाइन के साथ साथ हम प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और पूरे इंडिया का B2B मार्केट कैटर करते हैं। 2017 में मेरे पास एक सिंपल सा ऑफर आया था कि चाइना जाके चश्मे लेके आना और यहाँ पे बेचना। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब मेरे पास पूरे इंडिया में 20 से ज्यादा स्टेट की रीच है, 3,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पे, 17 से ज्यादा रेप्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे बड़ा नेटवर्क। शार्क्स, मेरा विजन है ये जो इंडस्ट्री का 80% अनऑर्गेनाइज्ड है अभी भी, उसका मैक्सिमम एरिया कैप्चर करना और इंटेंस फोकस को जल्द से जल्द ग्लोबल ब्रांड करना। शार्क, मेरी आस्क इसके लिए है 5 करोड़ फॉर 5% इक्विटी ऑफ माई कंपनी। शार्क, चलते हैं इंडिया का नजरिया बदलने विद इंटेंस फोकस। थैंक यू। सो मनीष, यस सर, गुड पिच यार, गुड पिच। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा बताइए अपने बारे में। आपने कहा 2017 में आपको किसी ने ऑफर दिया, चाइना से लिया, और अभी 2023 में, उसके बारे में बताओ। और आपने ये भी बोला कि आपसे ज्यादा प्रिसाइज कोई बनाता नहीं है, उसके बारे में बताओ। मैं जब 17 साल का था तब मैं बहुत लो फैमिली से था, तो पैसों की ज़रूरत थी, तो पढ़ते पढ़ते मैं एक चश्मे की दुकान पे नौकरी पे लगा और वो मेरा जो जॉब था उसका महीने का सैलरी था 1200 रुपये पर मंथ। 1200 रुपये पर मंथ। वाओ। 1.5 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीख गया था वहाँ पे। वो जो काम था वो छोटा सा एक मशीन पे होता है, 5,000 रुपये का मशीन आता था उस टाइम पे। वो पैसा नहीं था मेरे पास, तो मुझे किसी ने हेल्प करी थी कि आप इंस्टॉलमेंट पे ले लो हमसे, और मैं पूरा दिन जॉब करता था और रात को जाके वो चश्मे बनाता था किसी दुकान वाले। 6 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अगर वही काम मैं पूरा दिन करूंगा ना तो सैलरी से थोड़ा और ज्यादा कमा पाऊंगा। मेरा शुरू से एक फिलोसॉफी रहा, मैं कोई भी चीज को जब पकड़ता हूँ तो उसमें मेरा फोकस जो है वो बहुत इंटेंस रहता है। 1.5 साल के अंदर चश्मा फिटिंग करना, साथ में लोगों को चश्मा कैसा होना चाहिए वो सब चीज सीख लिया था, नंबर चेकिंग, आई टेस्टिंग, एवरीथिंग। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा कमाता गया वहां पे मैंने एक छोटी सी चश्मे की दुकान भी डाल दी। इंटरेस्टिंग। ये कौन से शहर की बात है?
राजकोट से, गुजरात के राजकोट से। कंटिन्यू। एक ड्रीम था कि मेरा एक अच्छा शोरूम होना चाहिए। 2009 में मैंने एक अच्छा सा शोरूम बनाया। उसका जो टेनेंट था उन्होंने आके मुझे बोला कि हम कुछ चाहते हैं कि चश्मे में पैसे लगाएं। उसका टेनेंट या उसका लैंडलॉर्ड? लैंडलॉर्ड, सॉरी सॉरी सॉरी। वो भी दो जने थे साथ में। मैंने थोड़ा सोचा और मैंने बोला मैंने कभी होलसेल किया नहीं है लेकिन देखते हैं एक बार। और मैं पहली बार चाइना गया था 2017 में, तो कुछ पार्टली हम लोगों ने 1,30,00,000 रुपए डाले थे। अच्छा, और वो 1.3 करोड़ के लिए कितना इक्विटी लिया उन्होंने? जब शुरू हुआ था तब 33-33-33 था तीनों का, और अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो हम लोगों ने उसको स्प्लिट करके 50% मेरा है और 25-25 उन दोनों। बहुत अच्छा किया। ऐसा किया। फिर मैंने एक डिजाइनिंग का कोर्स किया, 2D ड्रॉइंग में कम्प्लीटली सीख गया। फिर एक साल के बाद मैं जब फैक्ट्रियों के डिजाइनर होते उनके सामने बैठता था कि तू ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बना, ये कर ये कर वो कर, और जब पहला प्रोडक्ट मेरा ऐसा आया डिजाइन बन के वो धूम बिका, फटाफट बिका। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे में वो टैलेंट है कि मैं चश्मे को समझ सकता हूँ अच्छे से। तो जो चश्मे का शेप होना चाहिए, वो कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, एवरीथिंग वो मैं खुद से करने लग गया। सॉरी, एक क्लैरिफिकेशन के लिए, आप एक रिटेल शोरूम चलाते थे? Yes. उन्होंने आपको बोला कि होलसेल का बिजनेस करते हैं चाइना से इंपोर्ट करके, yep. उसके लिए पैसे दिए और आप चाइना गए। Yeah. Is that right? Yes, okay, sir. Thank yes, you. Yes. Okay. आप exactly क्या करते हो? आप कंज्यूमर फोकस ब्रांड हो? नहीं, रिटेल है ही नहीं हमारा। पर अभी कितना बड़ा बिजनेस हो गया है होलसेल का? मैंने जैसे ये स्टार्ट किया था ये टोटल पार्टली 5 करोड़ रुपए डाले और आज तक मतलब ये साल के एंड तक मैं इसको 33 करोड़ का धंधा बना लूंगा अप्रोक्सीमेटली। इस साल कितना बिजनेस करेंगे? इस साल मैं करीबन 14 से 15 करोड़ का बनाऊंगा। लास्ट ईयर था 8 करोड़ 25 लाख। पिछले महीने कितना किया आपने? पिछले महीने 1 करोड़ था समथिंग। 1 करोड़, 14 से 15 करोड़ कर लोगे, इसमें ग्रॉस मार्जिन कितना है? ग्रॉस मार्जिन मेरा है 60%। और आप B2B करते? Yes. नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 15 करोड़ के सेल्स में प्रॉफिट बन रहा होगा, तो वो भी एक बार बता दीजिए कितना प्रॉफिट बन रहा है। 30% मेरा EBITDA है। तो अभी आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए इस बार प्रॉफिट बनाएंगे आप? यस सर। चलिए, अच्छा, काफी अच्छा नंबर है। बस आपके चश्मे तो सॉलिड, कोई स्वैग वाले लग रहे हैं, कोई पहना के दिखाओ यार। यस सर। आप खुद चश्मा नहीं पहनते हो? नहीं सर। क्यों यार, अपनी खुद की मार्केटिंग नहीं करते? ये बात आप जरूर सीख के जाना पीयूष से, खुद की मार्केटिंग कैसे। मैं पीयूष सर को मिला हूं। देर से कहां मिले यार आप? जब नजदीक जाऊंगा ना उनको याद आ जाएगा। सर याद आया, मिडो जा रहे थे हम, फ्लाइट में मिले। अच्छा, I remember. Good यार, I would say product is good. Thank you sir. Design sensibility अच्छा है, packaging भी सही है। Packaging भी सही है। ये कितने के आते हैं चश्मे, एक बार थोड़ा रेट बताइए। ये वाला जो है 3,700 रुपीस का है MRP। 3,700? Yep. और ये वाला जो है 3,200 है MRP। ये बहुत हाई रेंज में नहीं है चश्मे? लेंस कार्ड की जब मैं देखता हूं तो बहुत डिफरेंट रेंज के दिखते हैं। क्वालिटी बहुत डिफरेंट है, क्वालिटी डिफरेंट है। इधर बताइए, इस 3700 इज व्हाट यू प्राइस इट एट? इसका कोई ऐसे नहीं है कि सही है या गलत है, ब्रांड है। कोई ब्रांड हायर लेवल पे पोजीशन करता है जो जिस टाइप का ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसमें डीप जाऊं, अभी आप 15 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं होलसेल बिजनेस, तो आई एम अज्यूमिंग आप क्रेडिट पे सामान बेचते होंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर को। कितने महीने का क्रेडिट रहता है? 140-150 दिन तक भी खींच लेते हैं। तो क्या 150 दिन आप मानिए 5 महीने का क्रेडिट साइकिल चल रहा है। और उसी के लिए ना हमने डिस्ट्रीब्यूटर डाले हुए रेप्यूटेड, जो हमें 60-90 डेज में पेमेंट करेंगे। 90 दिन का भी क्रेडिट है, फिर ये भी चाइना से मंगा रहे हैं, उसका भी एक लीड टाइम है। तो मोटा मोटी मिला के जो कैश रोटेशन है, 8-8 महीने कैश रोटेट हो रहा है। तो क्या किसी को तो वो पैसा देना पड़ेगा? मेरा ये मानना है इसकी जो कॉस्टिंग है मोटा मोटी 600 रुपए मान लो, 500-600, ठीक है, पर आपको 3500 देना पड़ रहा है बिकॉज़ इतना बड़ा क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल, क्रेडिट साइकिल, इंटरमीडिएट, एक बंदा बैग लेके जा रहा है। लेंस कार्ड जो है वो तो खुद के स्टोर चला रहा है। हां, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि लेंस कार्ड सस्ता इसलिए बिकॉज़ वो इंटरमीडिएट लेयर कट गया है ना? नहीं, वैसा भी नहीं है। मैं आपको बताता, आप बोलिए। चलिए, मैं ये पीयूष जी का वो था, मैं आपको बताता हूं। ये इतना भी नहीं है कि लेंस कार्ड सस्ता है और ये है। एक डिजाइनिंग एलिमेंट्स जो है ना वो हर ब्रांड में मिसिंग होता है। चश्मे की इंडिया की बात कर रहा हूँ, जैसे ये पीयूष जी के हाथ में है जो चश्मे की बात कर रहे हैं, उसमें ऊपर एसीटेट का एक लेयर लगा हुआ है जो डिजाइनिंग एलिमेंट एडिशन किया हुआ है, इसलिए उसको हम लोग हाई प्राइस में बेच सकते हैं। लेंस कार्ट ने भी इसके ऊपर काम करना शुरू किया लास्ट 1-2 साल से।
जो जॉन जैकब्स में दिख रहा है। चलो थैंक यू भाई। आप अभी भी चाइना से माल ला के बेच रहे हैं या खुद बना रहे हैं? मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी है इंडिया में, जो डिफरेंट एंटिटी है, और दूसरा मैं चाइना की फैक्ट्री से भी टच में हूँ, जो मैं 20 से 22 फैक्ट्री से भी माल बनाता हूँ। आपने कहा एक कंपनी है जहाँ आप ये होलसेल का काम कर रहे हैं। यस। वहाँ पे आपका 50% है। दिस इज इंटेंस फोकस। इसके साथ में एक और धंधा चल रहा है आपका, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो वहाँ से मैन्युफैक्चर होके आप इंटेंस फोकस को बेचते हो और इंटेंस फोकस आगे बेचते हैं। यस। वो कौन ओन करता है? उसमें 23% स्टेक मेरा है और बाकी एक सेल्स का और एक प्रोडक्शन का, सबको इक्विटी दी हुई है और एक इन्वेस्टर है। वो इन्वेस्टर नहीं है जो दो ने इंटेंस फोकस नहीं, इट्स अ डिफरेंट इन्वेस्टर। अंडरस्टूड। अभी आप जो पैसा लेने आए हो किस पे लेने आए हो? इंटेंस फोकस। तो बड़ा मुश्किल होगा ना इन्वेस्टर के लिए। पर उस कंपनी का जो इक्विटी है जो वो आपके नाम पे है, वो इंटेंस फोकस के नाम पे नहीं? अरे ये तो बहुत मुश्किल स्ट्रक्चर बना लिया नाम पे है। यस, मेरे पर्सनल नाम पे। तो आपका जो ये 15 करोड़ का सेल्स है, कितना प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से आता है और कितना चाइना से आता है? जो रेवेन्यू है उसमें 50% हम प्रोडक्शन कॉस्ट पकड़ लेते हैं, तो अगर हम लोग 7 करोड़ पकड़ते हैं तो उसका 20% इंडिया में बन रहा है हमारा, और बाकी का 80% चाइना में बन रहा है। क्या क्या बात कर रहे हो यार, 50% कैसे पकड़ोगे? आपने कहा कि ये एक बिजनेस है, शुरू में आपने ओपनिंग लाइन दी अपनी जिसमें 70-75% ग्रॉस मार्जिन है। यस सर। एक सेकंड। उसके बाद चलते चलते कुछ ही मिनटों पहले आपने कहा कि मेरा ग्रॉस मार्जिन है 60%। अब आप आ गए हो कि 14 करोड़ में से 7 करोड़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मानते हैं। सर, मैंने अप्रोक्सीमेटली। एक सेकंड, अप्रोक्सीमेटली। भाई अप्रोक्सीमेटली मतलब इसके आसपास ही होता है ना, मतलब 10%। इसलिए मैं स्किप करूं क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को वो मार्जिन में देता हूं। तो ग्रॉस मार्जिन आपका 60 नहीं हुआ, 50 हुआ। यस सर, यस। ओके, थैंक यू। एक बार ये बताओ, चाइना वाला एक एंगल बताओ। आपने बोला चाइना से माल ला रहा हूं 80%, अगर आपको वहां से ला के यहां पर ट्रेड ही करना है तो बहुत लोग कर सकते हैं। मैं वहां से ट्रेडिंग नहीं करता हूं। तो क्या करते हो? जितनी भी फैक्ट्री, मैंने बोला 20 से 22 फैक्ट्री, हर एक फैक्ट्री का एक अलग यूएसपी होता है, वो यूएसपी को मैं यूज करता हूं। फॉर एग्जांपल, कोई फैक्ट्री है जो टेंपल बनाती है, अच्छा, उसको डिजाइन में देता हूं, वो टेंपल्स बनाती है मेरे लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। तो ये इंडिया में क्यों नहीं बन सकता ये सब? चश्मे के अंदर है ना 3 से 4 रॉ मटेरियल होते हैं, उसमें इंडिया के अंदर जो फैसिलिटीज अवेलेबल है और जो इजीली बन सकता है उसमें वो एक या दो ही मटेरियल। अगर मेटल की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग लगता है वो इंडिया में मुझे नहीं लगता अगले 10 साल तक इतना इजी हो पाएगा। ये बात ठीक है। This is wrong. आपने कहा 8-10 साल में नहीं बने हो, तो बना रहे हैं। तो हमने अभी 800 करोड़ लगाया फैक्ट्री बनाने में, तो अभी जैसे उन्होंने कहा मेटल चश्मे इंडिया में नहीं बनते थे, अब बन सकते हैं सर, इतना पैसा डल रहा है तो मिल सकता है। पैसा तो बाद में आता है भाई, विजन होना चाहिए ना, आपका तो है। अच्छा आप बताइए, आपका यूएसपी क्या है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स? डिजाइनिंग, कंप्लीटली डिजाइनिंग। I'm sorry, मैं वहां काफी देख चुकी हूँ, यहाँ देख चुकी हूँ, मुझे कोई ऐसे यूएसपी या कुछ अलग नहीं लग रहा है आपके डिजाइन में या कम्फर्ट में। मेरा जितने प्रोडक्ट है ना, उस हर एक प्रोडक्ट की एक अलग स्टोरी है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं अगर आपके स्टोर आई, आप तो नहीं होंगे मुझे स्टोरी बताने के लिए। इतने सनग्लासेस मैं खुद खरीदती हूँ, मुझे बहुत शौक है, मुझे कुछ अलग नहीं लगा आपके डिजाइन। सबसे बड़ी बात ये कि जो आप ये टारगेट कर रहे हैं 3-5,000, जब तक एक ब्रांड नहीं बनता है वो एक टफ मार्केट है टू क्रैक। तो इसलिए 5 करोड़ और 5% इज नॉट इन लाइन विद माई थिंकिंग। I'm out. Yeah. Okay. आपका वर्किंग कैपिटल कितना लगा हुआ है इस बिजनेस में भी? 5 करोड़। तो 90 दिन का क्रेडिट का आपका पैसा लगा हुआ है, तो जितना आप स्केल करेंगे, there is a credit risk that is associated in your business. So this is not typical D2C. आपके बीच में अभी भी एक इंटरमीडिएट है। मैं बता रहा हूँ सर, ये बिजनेस कैसे स्केल हो सकता है? जैसे अभी अभी हमने लिवाइस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल की, वही लिवाइस को इंडिया के लिए डिजाइन भी मैं करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग भी मैं। वैसे इंडिया के बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो आईवेयर में अभी तक नहीं है, ये बहुत बड़ा स्केल हो सकता है, पर लेकिन उसके लिए जो चाहिए वो ये नॉलेज चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे सिंपल तो बताइए, कितने चश्मे आप महीने के बेचते हो? यूनिट्स? यूनिट्स 15,000-20,000। आपने मेरे को शुरू में बताया कि 3,000 आपके रिटेल पॉइंट्स। यस। तो एक रिटेल पॉइंट में एवरेज 5 आ रहा है। 70 चश्मा पर ईयर, एक ईयर का सिर्फ। इतना कम क्यों है लग रही है? अगर बताता हूँ उसका भी रीजन है, मेरे पास एक लिमिटेड इन्वेंटरी है, एक स्टेट के अंदर एक बंडा होता है, वो जब पहुंचता है वहां तक, तब तक मेरा इन्वेंटरी ऑलमोस्ट खत्म हुआ पड़ा होता है। आप रीच बढ़ा रहे हो, खर्चे बढ़ा रहे हो,
इससे बेटर ये नहीं कि एक स्टेट में अच्छे से कैप्चर कर लो मार्केट शेयर, 3000 की अगर मैं 1000 पॉइंट कर दूं तो मैं इनको तीन गुना माल दे पाऊंगा। ऐसा ऐसा ही हुआ सर, मेरे पास 3000 रीच है, अब उसके अंदर जो अच्छे 1000 है, 1000-1500 है, उसको हम सबसे पहले रीच कर लेते हैं। तो अगर हम जो एवरेज निकाल रहे हैं उसको 3000 से 1500 में पकड़ ले तो ये 5 का 10 हो जाएगा। देख डेटा में मेरे को क्या नहीं दिख रहा ना, माल मांग के बिक रहा है, इंटेंस फोकस पे चश्मा दो, बिक रहा है, काफी कम आ रहा है नंबर। अगर मेरे पास फंड होता, मैं अगर ऐसा मैंने डिस्प्ले डाल दिया ना उधर, तो महीने का जो 5 बेच रहा है ना, वो बंदा अपने आप 15 बेचना चालू कर दे। इस चीज के लिए मैं कन्विंस नहीं हूं, करते हैं फिर। मनीष जी आपकी पूरी बात सुनी मैंने, तो मैं कंक्लूजन ये मेरा होगा कि मैं आउट रहूंगा इस चीज से। मैं अपना रीजन थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने नोटिस किया, जब आपको नमिता मैम ने डिजाइन पे फीडबैक दिया, आप उसके प्रति मुझे उतने रिसेप्टिव नहीं दिखे जितना एक फाउंडर को एक कस्टमर पे दिखना चाहिए। बट सिमिलरली मुझे पीयूष सर ने जब आपके बिजनेस पे कमेंट किया, वो इस इंडस्ट्री के किंग है, आप मुझे वहां भी उतने रिसेप्टिव नहीं दिखे। तो ओवरऑल मेरा जो कंक्लूजन है, आप अपने व्यूज को लेके बहुत स्ट्रांग हो, आप दूसरे व्यूज को एंटरटेन नहीं करते हो। बट गुड पार्ट ये कि आपके लिए वर्क कर रहा है, आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, बट मुझे दिखता है मैं इस जर्नी में आपके साथ जुटूंगा तो मैं कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा कहीं ना कहीं, तो उस रीजन से मैं आउट होना चाहूंगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कैटेगरी है बहुत एक्साइटिंग कैटेगरी, लेकिन यहाँ पर मुझे यार दो प्रॉब्लम दिख रहे हैं। एक प्रॉब्लम है कि आप जितना भी बिजनेस बड़ा बनाना चाहते हो उसका 30% आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। आपने 15 करोड़ का धंधा अभी तक बना नहीं है, लेकिन बनेगा इस साल, उसमें से 5 करोड़ रुपए आपने लगा दिया, तो आप कल 500 करोड़ का अगर धंधा बनाते हो तो आपको 150 करोड़ रुपए लगेंगे। वो मॉडल में ही प्रॉब्लम है, कोई और मॉडल की तलाश करनी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका स्ट्रक्चर, एक जगह ये बिजनेस, दूसरी जगह मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस विद अनदर इन्वेस्टर, एक कंपनी दूसरे कंपनी को बेच रही, उसमें यार हम क्या देखेंगे, क्या संभालेंगे, क्या परोसेंगे, क्या खाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। उस वजह से मैं आउट हूँ, गुड लक। मनीष मैं भी बाहर हूँ यार, इन्वेस्टेबल नहीं लगा मेरे को बिजनेस, क्योंकि डिफेंसिबिलिटी कम लगी। पर आपने जो क्रिएट किया, आई थिंक जितने भी लोग देख रहे होंगे व्यूअर्स, दे शुड बी इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी, कि आपने कहा 12 रुपए से करोड़ रुपए का प्रॉफिट का धंधा खड़ा करें, मतलब मजा आ गया, कमाल के शानदार बंदे हो। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और मेरा जब आप आए थे तो काफी फोकस लग भी रहा था कि आज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पर अभी क्या है ना, आपको थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। अभी ना आपने 40 बार मैं बोल दिया है कि मैंने ये किया है, तो आपको इसको हम पे ले जाना पड़ेगा। ओके सर। और उसके लिए, और दूसरा ना, आपको एक बार मानना पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं आता है। मैं आज भी मानता हूं, आपने आज आप बोला कि मैं इतने प्रिसिशन से बनाता हूं कि कोई नहीं बनाता, तो मैं सोचता हूं कि शायद हम भी कुछ मिस कर रहे हैं। ऐसा क्या है, तो मैं भी जाके आपका प्रोडक्ट स्टडी करूंगा। तो थोड़ा सा सेल्फ अवेयर हो, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो, फिर मिलेंगे, शायद बाहर इन्वेस्टमेंट करें आपने। आज इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे कहीं वो मोल्डेबिलिटी टू लर्न नहीं दिखी। चलिए मनीष, चलिए बेस्ट ऑफ लक। ऑल शॉट्स, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड लक। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अजय। और मेरा नाम है रुचिका। जैसे हर मूवी में एक हीरो होता है, हमारी मूवी में भी एक हीरो है, वो है मिलेट्स, द मैजिकल मिलेट्स, जिसे आप मोटे अनाज के नाम से भी जानते हैं। किसी ने कहा है, कभी आपका खाना सही है तो कोई दवाई की जरूरत नहीं, अगर आपका खाना ठीक नहीं है तो कोई दवाई काम नहीं करती है। बट शार्क्स, कौन सा खाना सही है फिर? वो खाना जो हमारे पूर्वजों के खाने हैं, अनाज है, जिसे सुपर फूड, सुपर ग्रेन, सुपर हीरो, मैजिकल मिलेट्स कहा जाता है। मिलेट्स कई तरह के होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, अंगनी,
इत्यादि। बट हजारों साल से हमारे भारत में ये अनाज हमारे घरों में रहे हैं और ये हमारी स्टेपल फूड भी रही है। बट क्या हुआ कि चावल और गेहूं का प्रचार करने के पीछे ये सारे भूल गए हम। हमें इसके फायदों के बारे में तब पता चला जब ये सुपर हीरो हमारे लाइफ में आया और इसने हमारे अजय की बहुत ही खराब हालत थी हेल्थ की, उसको ठीक किया और उसके साथ साथ हमें एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा मौका दिया। और तब मैं बनी मिलेट अम्मा। मिलेट अम्मा एक वन स्टॉप शॉप है जहाँ हम प्योर मिलेट के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हम 50 से अधिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें 3 कैटेगरी में कटे हुए हैं, जैसे बेसिक, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, ताकि हम फैमिली के हर मेंबर्स को केटर कर सकें। शाक्स, मिलेट एक सुपर फूड ही नहीं, इसे स्मार्ट फूड का भी दर्जा दिया गया है। मिलेट्स न्यूट्रिशन का पावर हाउस है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स भरपूर है, जिसे हम खा के हर तरह के लाइफस्टाइल डिजीजेस से बच सकते हैं। मिलेट्स फार्मर्स और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, इसीलिए हुआ ना ये सुपर स्मार्ट फूड। हमें बेहद खुशी तब हुई जब हमारे अलावा UNO, इंडिया और 70 और कंट्रीज ने मिलकर मिलेट्स की महत्वता को समझा और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। वो दिन का दिन है और आज का दिन है, हमने ठान लिया है कि हम मिलेट्स की क्रांति लेकर ही आएंगे और हम घर घर में मिलेट्स के फायदे को पहुंचाना चाहते हैं। सो शार्क्स, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस क्रांति में जुड़ें और इसके लिए हमारा आस्क है 1 crore rupees फॉर 3% ऑफ आर इक्विटी। वीगन पिज्जा, वाओ, वेल डन। थैंक यू। Which are the ones? This is the darker one is the ragi, the lighter one is the jowar. Very tasty, yeah? And not too sweet. Tasty, coffee tasty. Did your journey come from some personal experience? That's a big reason why we started Millet Amma also. So, 2016 mein, mere husband ko very, very bad backache pain chalu hua. मेरे बिजनेस के स्ट्रेस के वजह से लोअर बैक में हैवी इन्फ्लेमेशन हुआ था, जिसके कारण मेरे को बेड से उठने में आधा घंटा लगता था। एंड आई वाज नॉट एबल टू कैरी माय 2-year-old सन, आई वाज जस्ट एट द एज ऑफ 40 एट दैट टाइम, एंड इट वाज वेरी पेनफुल बोथ इमोशनली एंड फिजिकली। सो देन अ फ्रेंड ऑफ माइंड सजेस्टेड कि हम ग्लूटेन फ्री हो जाए थोड़े दिन के, तो वो सजेशन लेके हमने पहले पूरा डिटॉक्स किया अपने आप को। कुछ दिन 10 डेज ही वेंट ऑफ एवरीथिंग, ही वाज ओनली ऑन अ फ्रूट्स एंड अ वेजिटेबल डाइट। एंड आपको 10 दिन में फर्क लगा? हाँ, बहुत फर्क लगा, बिकॉज़ सारे जो टॉक्सिंस थे वो फ्लश आउट हो गए। उसके बाद जो जर्नी कंटिन्यू करना था वो था नॉन ग्लूटेन बेस्ड डाइट फॉर सम टाइम। सो तभी हमने मिलेट्स को डिस्कवर किया एज एन ऑप्शन। सो वो ट्रिगर था फॉर दिस वेंचर। यस यस, मिलेट खा लें, ये सेफ है, अच्छा है, क्योंकि थोड़े साल बाद कोई बोल देगा अभी मिलेट अच्छा नहीं है, कुछ और खाओ, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं एक्चुअली लाइफ में कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं। पीयूष, फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इंडिया के विलेजेस में वो जवारी और ये सब ही खाते आ रहे हैं, अ वेरी ग्लूटेन फ्री डाइट, तो ये फैड नहीं है, ये फैड नहीं है। मिलेट्स को उगाने में पानी भी काफी कम लगता है, 10% टू राइस एंड बी, राइट, 10% राइस, एग्जैक्टली, तो एक सिग्निफिकेंट रीजन ये भी, और इसके साथ साथ इसमें ना कोई पेस्टिसाइड लगता है ना कोई फर्टिलाइजर, तो ये नेचुरली ऑर्गेनिक है। तो फिर हाउ डिड इंडिया बिकम अ वीट कंट्री? सर, इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जब वीट और राइस को हेविली प्रमोट किया गया और उसे प्रचार किया गया, तो ऑब्वियसली यू नो जब कोई चीज को वेस्ट प्रचार करता है तो यूजुअली इट टेक्स ओवर द एंटायर मार्केट। अच्छा, एक बात बताइए, आपका बैकग्राउंड बताइए दोनों का। आई एम फ्रॉम कैलकटा, बेसिकली गॉट मैरिड विद हिम इन 2003। मैंने कैलकटा से बैंगलोर 81 में शिफ्ट हुआ था जब मैं 5 साल का था, पढ़ाई लिखाई सब बैंगलोर में ही हुआ। एंड 97 में बीकॉम होने के बाद में मैं अपने फादर के फैमिली बिजनेस में 20 साल काम किया। क्या बिजनेस था? स्टील मैन्युफैक्चरिंग का था। स्टील मैन्युफैक्चरिंग, बट अनफॉर्चुनेटली 2016 में एवरीथिंग केम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, इट्स गोइंग थ्रू अ जर्नी ऑफ बैंक्रप्सी। आप जरा बता सकते हैं ये बैंक्रप्सी सिचुएशन क्यों हुआ? 2010 में क्या हुआ कि
मार्केट्स स्टील इंडस्ट्री के एकदम से क्रैश कर गए एंड उस कारण से जितने भी हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग था और पाइपलाइन में ऑर्डर्स थे वो सारा बैकआउट हो गए कस्टमर्स. उसके कारण हमारा 30 साल का रिजर्व्स और वर्किंग कैपिटल वाइप आउट हो गया. कितना पैसा? 100 करोड़. ओह माय गॉड. एंड हाउ बिग वाज द बिजनेस? अराउंड 1100. 1100 करोड़ का बिजनेस था. क्या नाम था स्टील फैक्ट्री का भाई? भूवालका स्टील इंडस्ट्रीज. फिर क्या हुआ? डैड ने एक डिसीजन लिया कि टॉप लाइन मेंटेन करना है, तो वी स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन प्राइवेट क्रेडिट एंड वेंडर क्रेडिट. डेट ले लिया. हाँ, वो वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म तो ठीक था, बट वो होप पे होप हमारे लिए नेगेटिव होता गया. एंड फ्रॉम 2010 टू 2014 हमारा जो ओवरऑल डेट है काफ़ी बढ़ गया. कितना बढ़ गया? हमारा ऑलमोस्ट 300 करोड़ हो गया. आउच. एंड उस कारण से फिर हमें it just came to a halt. Bank accounts kharab ho gaye and all of that. From that point in time till today, we have lost everything that dad created, all the assets, including our house. Ab aap debt free ho gaye? Maine legally bankruptcy route apply kiya, to jo unpayable hai wo reh jayega. Kitna hai unpayable? Kareeb 100 CR ka hai. To ab aate hain product pe thoda sa. प्रोडक्ट में यूनिक क्या है, क्योंकि हमारे घर में मिलेट के काफ़ी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स के आ रहे हैं, तो अपने पास क्या यूनिकनेस है विच गिव्स अस अ राइट टू विन? सर, हमारे पास चार ऐसे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है. नंबर वन सर, हमारा मिलेट की मात्रा सबसे अधिक है. अधिक को थोड़ा क्वांटिफाई कर दीजिए, आपका इतना है बाकी इतना होता है. हाँ सर, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट रेसिपी पे डिफर करता है, बट मिनिमम 50% है और अप टू 90% मिलेट कंटेंट है. और बाकी लोग कितना देते हैं? 10-15%. ओके. और वो कहते हैं लेबल मिलेट के लगाते हैं मगर. हाँ, सेकंड यूएसपी ये है कि हम जो टाइप ऑफ मिलेट यूज करते हैं उसमें वी फोकस ऑन माइनर मिलेट चंक्स. सो मिलेट्स दो प्रकार के मेजर कैटेगरीज होते हैं, मेजर और माइनर. मेजर इज ज्वार, बाजरा, रागी, और माइनर में फॉक्सटेल, कोडो, ब्राउन टॉप, जो और छोटे होते हैं, बट उनमें न्यूट्रिशन मेजर से भी ज़्यादा होते हैं. तो हम जो है उनसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. हमारे पास वैरायटी सबसे ज़्यादा है, तो हम फैमिली के हर मेंबर को कैटर कर सकते हैं, इसीलिए हम अपने आप को मिलेट का वन स्टॉप शॉप बताते हैं. कितने एसक्यू हैं टोटली? 50+ एसक्यू. 50 टाइप एसक्यू. सबसे बड़ा यूएसपी है टेस्ट. हमारा टेस्टी बहुत है. सो वैरायटी, टेस्ट, मिलेट कंटेंट एंड मिलेट टाइप. मिलेट टाइप एंड मिलेट टाइप. आप एक बिजनेस का रेवेन्यू और थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स समझा. 2021 में हमारा सेल्स था 1.2 करोड़. 21-22 में हमारा सेल्स था 1.45 करोड़. 22-23 में हमारा 2.2 करोड़. और अभी तक हो चुका अपना 1.9. क्या रीजन है इतने शार्प जंप का इस साल? मतलब इस साल मार्केटिंग स्पेंड थोड़ा बढ़ाया है, बट हमने अपना जो ROI है उसको कंट्रोल रखा है. ओवरऑल इस साल बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग चल रहा है या लॉस पे, क्या स्टेटस? हमारा जो ब्रेक इवन हुआ है वो जुलाई 23 में फर्स्ट टाइम हुआ है. लास्ट मंथ आपने कितना किया? लास्ट मंथ में हमें 33.5 लाख का किया. कितना करोगे ये साल? 4-5 के बीच में. प्रॉफिट कितना रहेगा 4-5 करोड़? 5% तो रहेगा. 33.5 लाख में मार्केटिंग कितना था? 20%. पैसा कहाँ से आया इन्वेस्ट करने के लिए? इनकी सेविंग्स. कितना लागत डाल चुके अभी तक? ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक तो डाल. 3 करोड़ डाल चुके बिजनेस में. ये सेविंग्स आपकी कहाँ से आई? मिलेट अम्मा, क्योंकि काफी कठिन रास्ते से आप गुजरे हो, तो इस बीच आपने 3 करोड़ रुपए कैसे जमा कर लिए? जस्ट क्यूरियस. जस्ट बोलूंगी कि मम्मी ने हमेशा बोला था कि सेविंग किया करो बेटा. सो वो सीख जो सीखी थी, हर महीने सेविंग करा करती थी. क्या बात है, वेरी नाइस. वो हमेशा सब रखा था और वही हमारे आज इस समय में हमारे काम आया. ये भारतीय नारी की खूब खूब खासियत है, और जब कठिनाई आती है ना तो वही काम आती है. वेल डन. आप अपना M1 नंबर ट्रैक करते हैं? जैसे हमारे पास इस महीने कुछ नए यूजर्स आए जिन्होंने पहली बार आपका प्रोडक्ट लिया, उसमें से कितने परसेंट लोगों ने अगले महीने आपका प्रोडक्ट लिया, ये नंबर आप ट्रैक करते हैं अपना? सॉरी शख्स, ये नंबर नहीं है. आपका विजन क्या है? बिकॉज आप 3 verticals में हैं. लास्ट मंथ का जो आपका सेल्स है 36 लाख, उसका स्प्लिट बिटवीन दीस 3 बेसिक कैटेगरी में 50% के लगभग था. एंड आप बेसिक को डिफाइन करेंगे जैसे कि आटा, फ्लावर, ग्रेन, फ्लेक्स. गॉट इट. देन एंड जो रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक है उसमें बैलेंस 25-25. तो आप जो फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तो कौन सी कैटेगरी आपको ज्यादा एक्सपैंड करनी है? मिलेट्स अगर कोई फैमिली अपने लाइफस्टाइल में लाना चाहता है, उनको एक होलिस्टिक ऑफर चाहिए. तो आप कस्टमर्स को एक वन स्टॉप शॉप या एक रेंज ऑफर करना चाहते हैं? हाँ जी. तो
सी, मैंने जितना अपने साइड से बिजनेस को समझने की कोशिश की, मुझे कुछ रॉन्ग लग रहा है फंडामेंटली बिजनेस. अगर आप देखेंगे 6 साल हो गए हमारे बिजनेस को और नंबर्स ग्रो नहीं कर रहे हैं. और किसी भी बिजनेस का अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री एवरी बिजनेस एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है, वो होता है हमारा रिपीट रेट. मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा आप ये नंबर को प्लीज ट्रैक करना शुरू कीजिए. आप सबसे फंडामेंटल नंबर ऑफ बिजनेस को नहीं ट्रैक कर रहे हैं और रीथिंक कीजिए मेरे साइड से बिजनेस को. बट आज के डेट पे मुझे समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग लग रहा है, तो मैं आपके साथ इस जर्नी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा एंड आई एम आउट फ्रॉम दिस. आई एम ऑल्सो आउट. सो फर्स्टली इट्स ग्रेट कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी आपने रीस्टार्ट किया है. बट आई थिंक आपको एक रियलिटी चेक होना चाहिए कि दिस बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है. द सिंपल रीजन कि एज एन इन्वेस्टर मुझे एग्जिट नहीं मिलेगा बिकॉज आई डोंट सी कि आपको वो स्केल मिलेगा. तो आप निराश मत होइए, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाइए, बट दिस इज नॉट इन्वेस्टेबल फ्रॉम माई एग्जिट पर्सपेक्टिव. थैंक यू नम. मैं अग्री नहीं करता अजहर से कि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा और आपके नंबर्स में प्रॉब्लम है. मुझे लगता है आप कुछ नंबर्स मेजर नहीं कर रहे हैं. बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 2 करोड़ से 4 करोड़ चले गए और नंबर्स बिल्कुल खराब हो. कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो ही रहा है. प्रॉब्लम है कि पैसा, ये आप 50 लाख मांगने आए ना, 1 करोड़ आप पर, ये इतने कम पैसे में बनेगा नहीं बिजनेस. एंड इट नीड्स लॉट मोर मनी एंड अ सॉलिड टीम. आई डोंट थिंक यहाँ पे सीड इन्वेस्टमेंट से आपका कोई फायदा होगा, इसलिए मैं इससे अभी बाहर हूँ. आई जेन्युइनली थिंक अभी आप अच्छा कर रहे हैं, इसको थोड़ा और स्केल कर लीजिए और देखिए कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ जाए. Exactly, that's what we want. But best of luck and I think आप right path पे हैं, आपका कस्टमर जरूर बनूंगा. Thanks. तो आप लोग अच्छे लगे, प्रोडक्ट के बारे में आपने डिटेलिंग भी काफी करी. मेरे को बिजनेस बहुत स्केलेबल नहीं लग रहा. As we move on with the margin structure, the investor, मुझे लगता नहीं कि मैं आऊंगा तो मेरे को रिटर्न बनाने का कोई मौका मिलेगा ऐसे. मैं अलग से आपको एडवाइस कर सकता हूँ बियॉन्ड द टैंक, बट आज मैं बाहर जाना चाहता हूँ. आप ये बताइए, नेक्स्ट ईयर आपको कुछ अंदाजा है कितना सेल्स और कितना प्रॉफिट करेंगे? ऑर्गेनिकली इसी तरह से ग्रो करेंगे एंड जुलाई में जैसे हमारा... अच्छा मार दिया ना आपने. चलो पहले 3 साल तकलीफ हुई, लेकिन 23 के बाद तो सॉलिड कर दिया आपने. 100% ग्रोथ है विदाउट एडिशनल फंडिंग. तो क्या फिर 100% ग्रोथ करोगे? हाँ, definitely. तो आप करोगे 9-10 करोड़ अगले साल और प्रॉफिट कितना निकाल लोगे? 8-10% तो पक्का निकाल. 8-10 तो 90 लाख. तो आप 1-2 साल में इनका भी पैसा वापस चुका दोगे, है ना? वेल डन. तो मैं आपकी स्टोरी समझ गया बॉस. मुझे आपकी सफाई और सादगी बहुत पसंद आई. आपका स्टील का संघर्ष जो आपने सहा है उससे आप खुद लोहे के बन गए. तो आप खिलाड़ी तो मंझे हुए. तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ये ब्रांड बनाने के लिए I think you need some support and some advice. Right. लेकिन पैसे क्यों चाहिए और क्यों आप वही झमेले में फिर पढ़ना चाहते हो? I think it's a wrong move. आपको कोई या तो ब्रांड कंसल्टेंट, बिकॉज इससे आप नहीं बना पाओगे, बहुत ही कमजोर है, पीछे पढ़ने को ही नहीं आ रहा. राइट. सो वहाँ पे आप थोड़ी सी हेल्प सीख कीजिए. मैं इससे आउट हूँ, बट गुड लक. एंजॉय द लिसनिंग टू योर स्टोरी. ऑल द बेस्ट गाइस. थैंक यू शख्स. थैंक यू. दोस्तों, आस्क द शार्क में आपका स्वागत है. आज हमारे साथ हमारे खेमे में जुड़े हैं सीईओ एंड कोफाउंडर ऑफ इनशॉर्ट्स मिस्टर अजहर इकबाल. सर वेलकम. थैंक यू सर. सर शिवांश हैं, शिवांश दिगे पुणे से, आपके बहुत बड़े फैन हैं, कह रहे हैं कि हाय अजहर सर. आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं करी सर. हो नहीं पाया कंप्लीट करी नहीं, हो नहीं पाया. फर्क होता है सर. क्या कभी इस वजह से आपको आपके कंपनी के लिए फंड रेज करने मुश्किल हुई? तो शिवांश इस पे मैं बताना चाहूँगा अगेन. तो आपकी डिग्री से बिजनेस पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है. आपके बिजनेस को इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस के नंबर्स से फर्क पड़ता है जहाँ तक लेंगे. तो अगर आपके बिजनेस के नंबर्स अच्छे हैं, आपके पास कस्टमर्स हैं, कोई भी बिजनेस उसके कस्टमर्स से चलता है. आपके पास कस्टमर्स हैं तो आपके पास रेवेन्यू भी होगा, आपके पास इन्वेस्टर्स भी होंगे, आपके पास हर कुछ होगा. कस्टमर्स नहीं है तो कुछ नहीं होगा. तो आपको कस्टमर्स चाहिए, डिग्री नहीं. सर ने टी शर्ट की टैगलाइन दे दी है कि कस्टमर चाहिए, डिग्री नहीं. सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनसाइट एंड फॉर द टी शर्ट लाइन. मैं छपा के इससे थोड़ा बहुत पैसा है ना, रॉयल्टी की मांग नहीं करेंगे सर आप, है ना, वो आप वहाँ जाके करें. तो शिवांश थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन एंड अजहर सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. आपसे मिलेंगे अगले आज द शार्क में एक नए शार्क, एक नए सवाल के साथ. स्टे ट्यून्ड.